आज की वीडियो श्रृंखला में हम अघोर परंपरा एवं इसके प्राचीन साधकों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सृष्टि की संरचना के साथ साथ ज्ञान पुंज की परंपरा भी चल रही है और समय समय पर यह परंपरा विशेष महापुरुषों द्वारा जागृत की जाती है। इसी तरह अघोर श्रृंखला के शिखर पर महाराज श्री कीनाराम जी का नाम शिखर पर आता है, जिनका आविर्भाव संबत 1658 अघोर निर्देशिका के अनुसार माना गया है, किंतु आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक उत्तरी भारत की संत परंपरा में यह कुछ भिन्न है। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु संबत 1826 में 142 वर्ष की आयु में हुई। इसके आधार पर हम महाराज श्री का जन्म निर्धारित कर सकते हैं। इसी ग्रंथ में उनकी एक रचना विवेक सार का काल संबत 1812 दिया गया है और यह ग्रंथ मालवा प्रांत के उज्जैन नगर के समीप क्षिप्रा नदी के किनारे लिखी गई। कीनाराम जी ने 4 वैष्णवी और 4 अघोरी मठों की स्थापना की। इस प्रकार उनका कार्य शैव और वैष्णव के बीच में समन्वय का माना जा सकता है। अघोर परंपरा के कुछ साधक सर्वप्रथम अघोर परंपरा विश्वामित्र को अघोर परंपरा का साधक बताती है। अथर्ववेद के कौशिक सूत्र के मंत्र दृष्टा विश्वामित्र हैं और अघोर परंपरा यह कहती है कि विश्वामित्र अघोर उपासना पद्धति के साधक थे, किंतु ऐसे कोई विशेष प्रमाणित सूत्र नहीं है जिनके आधार पर हम ऐसा सिद्ध कर सकें। इसके बाद वामदेव जी का उदाहरण मिलता है, फिर वशिष्ठ जो कि बंगाल के बीरभूमि जिले में एक तारापीठ है, वहाँ कई शिलालेख हैं जिसमें इसका उल्लेख है कि वशिष्ठ जी ने दीर्घ काल तक तारा की उपासना की थी। इसके अलावा योग वशिष्ठ की चुड़ाला जो कि राजा शिवध्वज की पत्नी थी, उसे भी अघोर साधना का साधक माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य, अघोराचार्य जो कि केदारखंड स्थित काली मठ एवं नेपाल मठ तथा तिब्बत तक विचरते थे, भैरवाचार्य जिनका वर्णन बाणभट्ट के हर्षचरित्र में मिलता है। इसके अलावा अभिनवगुप्त जिनका काल ईसा की 10वीं शताब्दी में आता है, उन्हें भी अघोर परंपरा के साधक के रूप में गिना जाता है। सिद्ध विद्या सर्वानंद ठाकुर आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व त्रिपुरा के अंतर्गत मेहार नामक गांव में सर्वानंद का जन्म हुआ। अवधूत श्री नांगलिप्पा केरल के
सिद्ध रूढ़ स्वामी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का विचरण करते हुए जिन दो महात्माओं की बात किया करते थे वे हैं नांगलिप्पा और मडिवालिप्पा। ब्रह्मनिष्ठ श्री मोहन स्वामी महाराज कोमाकोणम में एक जगह ये दिगंबर महात्मा अजगर वृत्ति से पड़े रहते थे। अघोरी गजानन ओलिया 23 फरवरी 1876 को बरार के संभाव में सुविख्यात साधु श्री नाना साहब के मठ के बाहर एक तेजपुंज भिखारी पुरुष जूठे पत्तलों से चावल बीनकर खाते दिख पड़े। इन्हें ही अघोरी गजानन ओलिया कहा जाता है। तारापीठ के अघोराचार्य बामा खेपा परमार्थी जी ओघड़ श्री केशवानंद जी ओघड़ गणेश नारायण जी अघोरी गुफा बाबा ओघड़ बाबा श्री शंकर स्वामी ओघड़ खराब दास अघोरी रमैया बाबा बाबा मस्तराम अघोरी लक्ष्मण बाबा अघोरी बाबा देवकी राम नवापुरा अलईपुर के अवघड़ों की समाधि देवसिया के अवघड़ बाबा। इस प्रकार एक लंबी श्रृंखला अघोर निर्देशिका में वर्णित है, किंतु इनके विषय में कोई भी विस्तृत विवरण कहीं प्राप्त नहीं होता है। बाबा कीनाराम के विषय में काफी ज्ञान कई स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें एक प्रमाणिक स्रोत उत्तर भारत की संत परंपरा है, जिसे आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा था। बाबा कीनाराम का जन्म चंदौली तहसील में रामगढ़ नामक एक ग्राम में हुआ, जो कि बाण गंगा के किनारे बसा हुआ है। इनके विषय में कहा जाता है कि ये बचपन से ही एकांत प्रेमी थे और अक्सर ध्यान समाधिस्थ दिखाई पड़ते थे। ये अपने माता पिता के बुढ़ापे के संतान थे, जिस वजह से इनका विवाह बहुत शीघ्र कर दिया गया, किंतु फिर भी इनकी वैराग्य की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकी। इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया तथा इसके बाद घर वालों के दबाव और दूसरे विवाह की बात इन्हें सहन न हो सकी और ये बिना कुछ कहे विरक्त होकर निकल पड़े। बलिया जिले के कारो नामक गांव में वैष्णव महात्मा बाबा शिवराम द्वारा दीक्षित होकर उनकी सेवा शुश्रूषा कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यह भी कहा जाता है कि अपने गुरु के पुनर्विवाह के कारण ही खिन्न होकर ये अधिक दिनों तक उनके पास नहीं ठहरे और उनकी आज्ञा लेकर अपने जन्मस्थान को लौटकर इन्होंने भजन भाव में रहना चाहा, किंतु घर लौटने पर पुनः वही विवाह प्रकरण चल पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने ठान लिया कि अब ये देशाटन और देश भ्रमण करेंगे। इन्होंने चारों धामों के अतिरिक्त अन्य प्रधान तीर्थों की भी यात्रा की और घर लौट आए। अब की बार अपनी कुटी पूर्व निवास स्थान से हटकर और जनता के उपकार के लिए रामसागर जैसे कुएं का निर्माण किया। इनके भजनानुराग एवं समाज सेवा से प्रभावित होने के कारण लोग इकट्ठा होने लगे तथा भीड़ जमने लगी। जूनागढ़ के नवाब के कर्मचारियों ने इनके शिष्य को किसी कारण बंदी बना लिया और उसे छुड़ाने की चेष्टा में कुछ दिनों के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। प्रसिद्ध है बंदी गृह में अनेक चमत्कार दिखाए, जिसके कारण नवाब ने दोनों को मुक्त कर दिया। फिर ये यात्रा करने लगे। इनके कारावद्ध होने की घटना का समय 1714 समझा जाता है और उक्त शिष्य का नाम विजयराम बताया जाता है। बाबा कीनाराम का मुख्य कार्य इस लंबी यात्रा में महत्वपूर्ण स्थानों पर कुछ दिनों तक ठहर कर वहाँ साधुओं से सत्संग करना तथा आध्यात्मिक अनुभूति
की चर्चा करना। इसी दौरान गिरनार के ऊपर किसी ऐसे महात्मा के दर्शन हुए जिन्होंने इनके जीवन में काया पलट कर पूर्व शांति ला दी। इन्होंने अपने ग्रंथ विवेक सार में बताया है, मुझे पूरी द्वारिका तथा गोमती और गंगा सागर क्षेत्रों में दत्तात्रेय मुनि से भेंट हुई, जिन्होंने दयापूर्वक मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और मेरे भीतर ज्ञान विज्ञान एवं दृढ़ भक्ति के भाव को जागृत कर दिया। दत्तात्रेय कदाचित वही पौराणिक व्यक्ति हैं जो अत्रि मुनि के पुत्र तथा अवधूत वेशधारी समझे जाते हैं। इस कारण इनसे इनकी भेंट की घटना को भी अलौकिक ही कहा जाता है। इन्होंने उन्हें अपना गुरु एवं पथ प्रदर्शक माना है तथा अपने मतानुसार सिद्धांत रूप में भी अपने मत को अवधूत मत कहा है, जो हो आगे चलकर 1754 के लगभग इन्होंने काशी के केदार घाट में प्रसिद्ध महात्मा कालूराम के भी दर्शन किए और कुछ काल तक साथ रहकर विविध सिद्धियों एवं चमत्कारों से प्रभावित होकर वहीं क्रीम कुंड में दीक्षित हो गए। कहा जाता है इन कालूराम ने ही बाबा कीनाराम को गिरनार पर्वत के ऊपर तथा अन्य कई तीर्थ स्थानों में दत्तात्रेय के रूप में पहले भी दर्शन दिए थे और पीछे निज स्वरूप में स्थित होकर काशी में दीक्षित किया। कीना कीना सब कहे, कालू कहे न कोय, कालू कीना एक अहे, राम करे सो होए। बाबा कीनाराम एवं कालूराम के संबंध में कुछ विवेचन हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे।